राजस्थान में गैंगवार की घटनाएं होती रहती हैं। गैंगस्टर राजू ठेठ की दिन दहाड़े हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी थी, तो वहीं एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय बड़े गैंग्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई की वानगी भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में गैंगवार का इतिहास महज 25 साल पुराना है। तब भेरा राम हत्याकांड से प्रदेश में गैंगवार की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज प्रदेश में कई सारी छोटी बड़ी गैंग एक्टिव हैं। इसमें पहला नाम है आनंदपाल गैंग का। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का सालों पहले भले ही इनकाउंटर हो गया हो, लेकिन आज भी आनंदपाल गैंग के सदस्य एक्टिव हैं। आनंदपाल का नाम न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में दर्ज है। आनंदपाल का इतना खौफ था कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। साल 2017 में चूरू पुलिस और ATS SOG की टीम ने आनंदपाल को एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन उसका गैंग आज भी एक्टिव है। डॉन अनुराधा, सुभाष नेहरा समेत कई गैंगस्टर्स उसका गैंग आज भी पुलिस की पकड़ से दूर चला रहे हैं। वहीं अगला नाम है राजू ठेठ गैंग का। गैंगस्टर राजू ठेठ और गैंगस्टर आनंदपाल के बीच जमकर वर्चस्व की जंग चली, लेकिन आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेठ का एक छत्र राज हो गया। सीकर और जयपुर के बीच राजू ठेठ का गैंग एक्टिव था। हालांकि कुछ वक्त पहले राजू ठेठ ने जुर्म की दुनिया से दूर सियासत में कदम रखने का मन बना लिया था, लेकिन 3 दिसंबर 2022 को सीकर में राजू ठेठ पर विरोधी गैंग ने गोलियां बरसा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। राजू ठेठ के गैंग में 200 से भी ज्यादा मेंबर्स शामिल हैं। वहीं अगला नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग तेजी से एक्टिव हुई। आनंदपाल की बिक्री हुई के कई सदस्यों ने लॉरेंस बिश्नोई का दामन थामा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अब भी बड़े कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने, सुपारी लेकर मर्डर करने और जमीनों पर कब्जा कर अपनी रंगदारी जमा रहे हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके गैंग के मेंबर पूरी तरह एक्टिव हैं। राजस्थान और पंजाब में पिछले कुछ वक्त में हुई बड़ी वारदातों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ रहा है। वहीं अगला नाम है संपत नेहरा गैंग का। संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग साथ मिलकर काम करती है और कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुकी है। लॉरेंस के साथ ही संपत भी पुलिस की गिरफ्त में है। नेहरा तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग राजस्थान में पूरी तरह एक्टिव है। संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के लिए गाड़ियां उपलब्ध करवाई थी। संपत नेहरा जेल से बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वहीं अगला नाम है लादेन गैंग का। गैंगस्टर विक्रम गुर्जर, जो लादेन के नाम से गैंग ऑपरेट कर रहा है, विक्रम गुर्जर को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लादेन मूलतः पहाड़ी थाना बहरोड जिला अलवर का रहने वाला है, जो गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी है। इसके विरुद्ध लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के कई थानों में करीब 17 प्रकरण दर्ज हैं। विक्रम उर्फ लादेन ब्याज में रुपये देने का धंधा, फिरौती के रूप में ऐंठना और ये सब अपराध करता है।